तुम्हारा नाम? हरीश चंद्र। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक सरोजिनी देवी कॉलेज। कहीं नौकरी करते हो? ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे पिता का नाम? राम बाबू। तुम्हारी माँ का नाम? विजय लक्ष्मी। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24th February 1984। और बर्थ प्लेस? चन्नापल्ली कृष्णा जिला। बचपन में कहाँ पढ़े हो? सुल्तान उल्लुम पब्लिक स्कूल। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई। तुम्हारे घर का एड्रेस? हाउस नंबर 7-1-29/B/30A लीला नगर। तुम किस कास्ट को बिलोंग करते हो? मैं हिंदू हूँ। कम्युनिटी सर्टिफिकेट तुमने कहाँ से लिया? वेसन्नापुरम। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से बनवाया? वीरभद्रपालम। और राशन कार्ड कहाँ से बनवाया? वेसन्नापुरम। पासपोर्ट कहाँ से बनवाया? चंद्रपुरम। किस डेट को? 5 November 2006। तुमने किसी का रेप अटेम्प्ट किया है क्या? हाँ किया था। क्या वो लड़की इस वक्त यहाँ है? तुम उसे पहचान सकते हो? वो जानते हो तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। जरा एक मिनट साहब, अब तक अपन ने वो बोला है जो इन लोगों ने बोला, अब अपन अपने स्टाइल से बताता है। एक और अंदर बैठे है, उससे 2 मिनट बात करके आता है। बोल। अंदर कोई है ये कहकर हमेशा हमें बेवकूफ बनाता रहा। ये जमीर की बात कर रहा था। अपने अंदर ही नहीं, यहाँ बैठे हर किसी के अंदर है वो। वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमेशा सच्ची बोलता है। अभी अपन जो भी बोला वो सब झूठ था। अरे नौटंकी कर रहा था, लेकिन अभी ओरिजिनल बोलता है। वो अगर मर गया तो अपन पर लानत है। यहाँ पर उसे मारने की कोशिश करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। यो ब्रदर, सिर्फ तुम्हारे स्टेट में करप्शन है क्या? बोलना, हमारे स्टेट में नहीं है क्या? साला पूरा देश को मनहूस रोग लग चुका है। करेक्ट टाइम पर आवाज उठाई है तूने। तेरे को अगर अपन सपोर्ट नहीं करेगा तो महापाप होगा, बहुत बड़ा पाप। अभी अपन अपना ओरिजिनल लुक दिखाता है। देखा क्या? अपन का नाम है महेश कन्नन, उम्र 30 साल, बाप का नाम है भद्रराज, माँ का नाम सौभाग्य लक्ष्मी, जन्मस्थान कुंभकोणा, पैदाइश 1987 साल के, पैसों के लिए छोटा मोटा हीरा फेरी करता है, अपन के आगे पीछे कोई नहीं है इसलिए अनाथों के साथ रहता है। ये मेरा जन्म कुंडली है साहब। अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी बदल कर हरीश चंद्र की तरह बनाया गया अपने को। हाँ पैसा अपन ने लिया था, 10 करोड़ रुपया बांट चुका हूँ गरीबों को, लेकिन ये बात भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनमें से 1 रुपया भी अपन ने अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। चार स्टेट में बांट चुका है पैसा, अनाथों का जीवन संवारने के लिए। इस पुण्य में तुम्हारा भी हिस्सा है ब्रदर, और ये सब होने का जिम्मेदार तुम है। अपन से झूठ बोलवाने के लिए अपन को बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदा, लेकिन अपना ईमान इतना लालची नहीं है कि मतलब ही लोगों के हाथों बिक जाए। इस स्टेट में करीब 10 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से करीब 1 करोड़ लोग आप ही की तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनकर काम करते हैं, वो भी तो इंसान है। पता है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए करीब 10 दिन लग जाता है, लेकिन वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल हर किसी को शॉर्ट रूट से जाने का, और वही शॉर्ट रूट है रिश्वत। एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के लिए ब्रोकर का सहारा चाहिए, किसी पुलिस स्टेशन में जाने के लिए लोकल लीडर की जरूरत है, यहाँ तक ट्रेन टिकट निकालने के लिए भी एजेंट चाहिए। चाहिए चाहिए चाहिए, अभी चाहिए, यही चाहिए, इसी वक्त चाहिए, इसी पल चाहिए, जो कहते हैं वही लोग रिश्वत देते हैं। किसका गलती है? इन्हें रिश्वत दे देकर इन्हें रिश्वतखोर किसने बनाया? हम लोगों ने। हमको पहले हमको बदलना पड़ेगा। किधर किधर कैसा कैसा क्राइम होता है, लेकिन इधर किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता, गुनेगार अक्सर जीत जाता है। एक मामूली इंसान के लिए इंसाफ का मंदिर होता है कोर्ट, और अपन भी इसको सही मानता है। थैंक्स। इस केस से संबंधित 147 लोगों को किसी भी तरह की सफाई का मौका दिए बिना डिसमिस किया जाए, ऐसा ये कोर्ट आदेश देती है। इस केस से संबंधित सभी राजनेताओं के पदों को रद्द किया जाए, ऐसा ये कोर्ट सरकार को आदेश देती है। यहाँ जो भी गरीब जनता पर अत्याचार करेगा उसे इस देश का कानून कभी माफ नहीं करेगा। नौजवान इस देश की भविष्य है, उन पर नाइंसाफी कभी नहीं होनी चाहिए।
हमारे देश के यही नौजवान भविष्य में हमें तरक्की की राह पर ले जाएंगे। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि तजुर्बेकार लोग नौजवानों का साथ देंगे और सरकारी तंत्र भी उनका साथ देगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ज्वाला जाग चुकी है, अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। हॉस्पिटल चलते हैं ना। कहे को
तू मुझे नहीं छोड़ सकता। तू धोखेबाज नहीं है। तो क्या हुआ, तू है ना? जाने दे, अब अपना काम हो गया। अपन अकेला नहीं है, देख। जब से पैदा हुआ तब से अकेला ही जी रहा था। मिल गया, तू मिल गया। जाने दे, जाने दे। मापन जा रहे हैं, तू अपनी लड़ाई चालू रख। बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। लोगों ने तुम्हें अपना नेता चुना है, अब तुम बताओ, जिम्मेदारी मंजूर है? मुझे मंजूर है। ACI, एंटी करप्शन ऑफ इंडिया। इस संस्था की शुरुआत हुई थी सिर्फ 200 लोगों से, वही आज जाकर 2,30,00,000 हो चुके हैं, जो काबिले तारीफ है। हमारी ये ACI की संस्था भारत तक सीमित नहीं रही है, विदेश के लोग भी हमारे साथ हैं। इस संस्था का हर कोई नायक है और हर कोई कार्यकर्ता है। ये संस्था कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। हर किसी के दिल में सच्चाई के लिए लड़ने की हिम्मत है, इसीलिए इस संस्था से जुड़ जाइए। इस संस्था के स्थापक अरविंद शिवशंकर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।